हाई एवरी वन असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट सो गाइज एम बैक विथ अनदर वीडियो तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ बेस्ट एंड अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ लिटरली गाइस ये बेस्ट के साथ ही साथ अफोर्डेबल भी हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे अगर आप लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं डोंट वरी परेशान नहीं होना है ये इतने सारे प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने हैं ये सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऑप्शन रख रही हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ ना मिले तो आप लोग दूसरी ले लो स्किन केयर रूटीन के लिए दो तीन प्रोडक्ट ही काफ़ी होते हैं बेसिक स्किन केयर रूटीन के लिए तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शनस भी रखे हैं अगर आप लोगों को एक प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आप लोग दूसरा बाय कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही करेंगे आप लोगों को ईजिल मिल जाएंगे आप लोग बाय कर सकते हो बेस्ट बात यह कि ये अफोर्डेबल भी हैं एंड वर्क भी बहुत ही अच्छा करते हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं गाइज एंड इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगी स्किन केयर टिप्स शेयर करूंगी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है काइंडली डू सब्सक्राइब सो विदाउट वेस्टिंग आई टाइम लिस गेट स्टार्टेड ओके सो हमारी स्किन के रूटीन का सबसे मेन एलिमेंट होता है क्लिनजिंग अपनी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करना सो क्लिनजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज ऑफ स्किन केयर रूटीन क्योंकि इससे आप लोगों की स्किन अच्छी तरीके से क्लीन होती है जस्ट फेस वॉश करने से आप लोगों की स्किन क्लीन नहीं होती अगर आप लोग डीपली क्लीन करना चाहते हो तो आप लोगों को क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करना पड़ता है अपने फेस को क्लीन करने के लिए जब आप लोग क्लेंजिंग करते हो तो आप लोगों की स्किन अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है जो भी मेकअप वगैरह आप लोगों की स्किन पर होता है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है तो आप लोग क्लेंजिंग के लिए सॉफ्ट टच का क्लेंजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हो ये बहुत ही अच्छा है गाइज एंड बहुत ही अफोर्डेबल है सो so, आप लोग सॉफ्ट टच का क्लेंजिंग मिल्क ट्राई कर सकते हो सो so ये बेस्ट क्लेंजिंग मिल्क है एंड बहुत ही अफोर्डेबल है नेक्स्ट आई हैव डर्मा कोस हैग्जागोनल क्लेंज़र इसका मैंने अलग से रिव्यू किया हुआ ये है ये बेस्ट है गुड है गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा ये प्रोडक्ट पसंद है ये स्किन को अच्छे तरीके से क्लींस करता है इससे जो भी आप लोगों का मेकअप वगैरह वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा अगर आप लोग बेस्ट प्रोडक्ट चाहते हो तो आप लोग डर्मा कोस का हैगजागोल क्लेंजर यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग स्किन केयर में नाइट स्किन केयर रूटीन में आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग डेली इसको यूज़ करते हो तो आप लोगों स्किन पर बहुत ही प्यारा ग्लो आता है अगर एक्नी की प्रॉब्लम है तो वो भी रिमूव हो जाती है एक्नी रिमूव होना रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट आप लोग डबल एक्शन क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हो इसके भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं वो आप पर डिपेंड करता है आप लोग कौन सा क्लेंजर यूज़ करते हो बट क्लेंजर हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मेकअप रिमूव करने के लिए या फिर बाहर से कहीं से आ रहे हो तो आप लोग क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर लो अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लींस कर लो इससे क्या होगा कि आप लोगों की स्किन पर जो भी मेकअप होगा डर्ट होगा वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा नेक्स्ट फेस वॉश ठीक है अगर अफोर्डेबल फ़ेस वॉश चाहते हो तो मेरे पास यहाँ पर टू ऑप्शन है आप लोग जुनशी का नेचुरल्स फेस वॉश विथ वाइटनिंग पिंपल फाइटनिंग यूज़ कर सकते हो सो so ये एक्नी जिनकी स्किन पर एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले वो इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर्मिंग टाइप है ये रिमूव करता है एक्जेसिव ऑयल को नेक्स्ट आई हैव डीप फ्रेश यू वी ब्राइटनिंग फेस वॉश इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग स्किन ब्राइटनिंग चाहते हो एंड यू वी प्रोडक्शन चाहते हो तो आप लोग इस फेस वॉश को भी यूज़ कर सकते हो ये आप लोगों की स्किन पर ग्लो लाता है एंड आप लोगों की स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटर करने में हेल्प करता है सो so, दोनों फ़ेस वॉश बहुत ही अच्छे एंड अच्छा वर्क करते हैं अच्छा जी सो so, अब बारी आती है टोनर और सीरम की ठीक है क्लिनर कर लिया आप लोगों ने अपने फेस को क्लिन कर लिया फ़ेस वॉश यूज़ कर लिया देन हमें यहाँ पर अप्लाई करना होता है टोनर और सीरम आप लोग स्किप भी कर सकते हो बट अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आप लोगों की स्किन बहुत ही फ्रेश लगती है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप लोग टोनर में जेसिका का ये सूदिंग टोनर यूज़ कर सकते हो या फिर डॉक्टर राशिल का विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हो डॉक्टर राशिल का विटामिन सी सीरम बहुत ही बेस्ट है अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंटी एजिंग वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्किन को ब्राइटन करता है इंप्रूव करता है स्किन इलास्टिसिटी को सो ये नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइज़र का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोग मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो आप लोगों की स्किन हाइड्रेटेड रहेगी आप लोगों की स्किन पर एकनी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों की स्किन पर सो so, मॉइस्चराइजर स्किप ना करें गाइज अपनी मॉर्निंग नाइट स्किन केयर रूटीन में डोंट स्किप योर मॉइस्चराइजर प्लीज फॉलो रेगुलरली आप लोगों की स्किन को बहुत ही ज़्यादा नीड होती है मॉइस्चराइज़र की हाइड्रेशन की सो so, मॉइस्चराइजर स्किप ना करें सो so, मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पर मेरे पास दो तीन ऑप्शन हैं आप लोग हनी एंड आलमंड्स नरिशिंग स्किन क्रीम यूज़ कर सकते हो जो भी आप लोगों को मॉइस्चराइजर सूट करता है आप लोग यूज़ कर सकते हो टू ईस्ट का नरिशिंग हनी आ, लोशन विथ हनी एंड नेचुरल ऑयल ये भी यूज़ कर सकते हो ये मैं खुद यूज़ करती हूँ बहुत ही अच्छा है सो so, वो आप पर डिपेंड करता है जो भी आप लोगों की स्किन टाइप पे उसके अकॉर्डिंग आप लोग मॉइस्चराइजर यूज़ करो या फिर आप लोग डॉक्टर डॉक्टर राशील की विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हो अच्छा एंड एंटी एजिंग वालों के लिए मेरे पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है डॉक्टर राशिल की ट्वेंटी फोर के गोल्ड क्रीम अगर आप लोग थर्टी प्लस हो तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो नाइट के टाइम पे। ठीक है वीकली एक्सफोलिएटिंग लाजमी करें अपनी स्किन को वीक में दो से तीन दफ़ा करें आई थिंक ट्वाइस वीक्स ठीक है तो एक्सफोलिएटिंग कर सकते हो इसके लिए आप लोग कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरीके के जो फेशियल आते हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं एंड आप लोग शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हो डॉक्टर राशिल का हाइलोरिक एसिड शीट मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस ये इंस्टेंट एंड हाइड्रेशन देता है शीट मास्क यूज़ करने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है स्किन पर ग्लो आता है बहुत ही मेक अच्छा मेकअप करने से पहले अगर आप लोग शीट मास्क यूज़ करते हो तो आप लोगों का मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो शीट मास्क को आप लोग मंथ में दो दफ़ा लाजमी यूज़ करें आप लोगों की स्किन पर बहुत ही प्यारा ग्लो आता है सो so, मेरा फेवरेट ये डॉक्टर का हेलोरॉनिक एसिड शीट मास्क है तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो अफोर्डेबल के साथ ही साथ बहुत ही अच्छा है सो इसका इस डेट इट ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं एंड आप लोग इसका यूज़ भी कर सकते हैं इसके साथ ही साथ सन ब्लॉक आप लोगों ने इसके बिल्कुल भी नहीं करना है एवरी डे आप लोगों को सन ब्लॉक अप्लाई करना है आप लोग रिवाज यू का सन ब्लॉक यूज कर सकते हो ये बहुत ही अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है सो ये स्टेट इट आई होप आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई विल सी सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय